सो हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग सर्वाइव करेंगे 100 डेज एक सिंगल ट्री में। ये चैलेंज काफी डिफिकल्ट होने वाला है बिकॉज उसमें भी रिसोर्सेस काफी कम मिलता है, आपको पता है। और हम लोग खेलेंगे इस वर्ल्ड को हार्डकोर में, तो बहुत ज्यादा संभल के खेलना पड़ेगा हम लोगों को। एंड इस वर्ल्ड पे भी मेरे कुछ एम है, जैसे एंडर ड्रैगन को बीट करके ग्लेटर लेके आना, बढ़िया सा बेस बिल्ड करना और सबसे इंपॉर्टेंट की कुछ मजेदार बिल्ड्स करना। सो लेट्स सी गाइस, देखते हैं कि हम लोग इस चैलेंज को कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं। और हां गाइस, सब लोग वीडियोस तो देखते हो बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो को लाइक नहीं करते हो, तो प्लीज गाइस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी गाइस वीडियो को एंड तक वॉच करना, बहुत मजा आएगा आज के इस वीडियो के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, लेट्स एंजॉय दिस वीडियो। ऑल रेड गाइस, हम लोग स्पॉन हो चुके सिंगल ट्री के अंदर एंड मुझे मिला एक बुक। इस बुक के अंदर पता नहीं क्या लिखा होगा, बट उससे पहले आप लोग देख ही सकते हो बहुत अच्छी चीज की अपने इस ट्री के सामने एक बढ़िया सा आइलैंड है, जहां पर कुछ सुगर केन से जो कि भाई काफी हेल्प करेगा हम लोगों को जर्नी को आगे बढ़ाने में। और गाइस आप लोग देख ही सकते हो बुक के अंदर लिखा है फाउंड मिस्ट्री सेल्कर बॉक्स। ओके, मुझे एक मिस्ट्री सेल्कर बॉक्स को फाउंड करना पड़ेगा एंड कुछ चैलेंजेस आप लोग देख ही सकते हो, मेक बेस एंड किल एंड ड्रैगन। ओके एंड लाइक सब्सक्राइब, ये तो आप लोग कर ही दोगे, बट हां मुझे एक सेल्कर बॉक्स को फाउंड करना पड़ेगा जो कि पता नहीं कहां पर होगा, और कुछ चैलेंजेस को कंप्लीट करना पड़ेगा जो कि काफी ज्यादा इजी होगा बिकॉज आपको पता है एंडर ड्रैगन को बीट करना काफी इजी है। एंड मुझे एक बेस बिल्ड करना पड़ेगा जो कि काफी ज्यादा इजी होता है। ओके, बट हां मिस्ट्री सेल्कर बॉक्स कहां पर है मुझे बिल्कुल पता नहीं, बट उससे पहले मुझे स्ट्री को चॉप करना पड़ेगा बिकॉज मुझे आगे प्रोग्रेस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले चॉप करते हैं स्ट्री को। ओके गाइस, मैं स्ट्री को चॉप कर लिया एंड यहां पर क्या है भाई साहब, सेल्कर बॉक्स है, मतलब इसको फाउंड करना इतना इजी हो गया, मतलब यार नीचे ही था सेल्कर बॉक्स एंड वहां पर लिखा था फाउंड मिस्ट्री सेल्कर बॉक्स, भाई क्या लॉजिक बनता है इसका। बट हां गाइस, काफी सारा मुझे सामान मिला, आप लोग देख सकते हो बहुत सारा सामान है जो कि गाइस मुझे काफी हेल्पफुल करेगा अपने इस जर्नी को आगे बढ़ाने में, एक टोटा में जो भाई काफी ज्यादा हेल्प करेगा मुझे इस मतलब कि वर्ल्ड पर सर्वाइव करने के लिए। एंड उसके बाद मैं कुछ लीव्स को कलेक्ट कर लिया बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। एंड मैं तैरते तैरते चला गया उस आइलैंड के अंदर बिकॉज अब काफी सारा सुगर केन से, तो मैं फटाफट चला गया उस आइलैंड के अंदर। एंड यहाँ पर आने के बाद मैं सुगर केन को कट करके प्लेस कर दिया बिकॉज यार सुगर केन गाइस काफी इंपॉर्टेंट है। एंड गाइस उसके बाद मैं क्राफ्टिंग टेबल बनाया, एक पिकेक्स बनाया एंड मैं सो गया। एंड सुबह उठने के बाद मैं एक हो बनाया एंड कुछ सीड्स को प्लांट कर दिया क्योंकि इंपॉर्टेंट है फूड सोर्स। एंड थोड़ा सा कॉबलस्टोन कलेक्ट कर लिया एंड उसके बाद मैं कूट के पे स्मेल्टर में रख दिया बिकॉज मुझे बनाना पड़ेगा टॉर्च। ओके गाइस, आप लोग देख सकते हो मैं थोड़ा सा प्रोग्रेस कर चुका हूं इस वर्ल्ड पर, बट मेरे पास कुछ भी आयरन का आर्मर नहीं है, तो चलते फटाफट से आयरन माइनिंग करने के लिए बिकॉज आपको पता है आयरन काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो चलते फटाफट से केव के अंदर उसके बाद काफी सारा आयरन माइनिंग करते हैं एंड उसके बाद एक बढ़िया सा आयरन का आर्मर बनाते हैं, बट उससे पहले कुछ टॉर्च बनाते हैं एंड उसके बाद चलते फटाफट से माइनिंग करना। मुझे कुछ डर्ट दिख गया था, मैं सभी को कलेक्ट कर लिया क्योंकि डर्ट गाइस काफी इंपॉर्टेंट है, मैं काफी सारा डर्ट कलेक्ट कर लिया एंड उसके बाद मैं माइनिंग करना कंटिन्यू रहा। और गाइस मैं काफी सारा माइनिंग किया एंड उसके बाद मुझे बहुत सारा आयरन मिल गया। और गाइस मैं आयरन के लिए माइनिंग कर रहा था तभी मुझे मिल गया था डायमंड, आप लोग देख सकते हो भाई साहब डायमंड मिल गया भाई, बहुत खतरनाक बात है। आप लोग देख सकते हो मेरे पास पिकेक्स भी नहीं है, तो फटाफट से एक पिकेक्स बनाते हैं आयरन का एंड उसके बाद मैं डायमंड को कलेक्ट करता हूं। भाई साहब डायमंड मिल गया जो कि बहुत तगड़ी बात है, आप लोग देख सकते हो। एंड ऊपर आने के बाद कुछ डायमंड का टूल्स एंड फुल सेट आयरन का आर्मर कंप्लीट कर लिया और फाइनली गाइस मैं फुल्ली आयरन पर कवर हो चुका जो कि काफी ज्यादा खतरनाक बात है बिकॉज आपको पता है ये वर्ल्ड गाइस काफी ज्यादा डेंजरस है एंड मुझे जल्द से जल्द डायमंड पर कवर होना पड़ेगा। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट बात की अपने ये आयलैंड गाइस काफी ज्यादा बेकार लग रहा है बिकॉज आप लोग देख सकते हो काफी सारे ट्रीज है, मतलब काफी ज्यादा बेकार लग रहे हैं एंड मेरे पास जो भी सामान मैं वहाँ पर ट्रांसफर कर दूंगा। तो लेट्स गाइस एक बढ़िया सा आइलैंड बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी गाइस मैं कुछ प्लेटफॉर्म बिल्ड कर चुका, आप लोग देख सकते हो काफी ज्यादा बड़ा है अपना ये आइलैंड, मतलब गाइस काफी खतरनाक, आप लोग देख सकते हैं कुछ यहाँ पर फूड फ्राम है, ट्री फ्राम है, मतलब यार इसको दिखाना गाइस कोई फायदा नहीं था इसलिए मैं फटाफट इसको बिल्ड कर लिया, बट मुझे काफी ज्यादा टाइम लगे इसको बिल्ड करने में। ओके, और गाइस आप लोग पता ना सबका आइलैंड कैसे लगा एंड मैं काफी सारा चीजें बनाने वाला हूँ, आपको मैं दिखाता हूँ गाइस मैं कहाँ पर क्या बनाने वाला हूँ। ओके गाइस, आप लोग देख सकते हो हम लोग यहाँ पर बिल्ड करने वाले एक बड़े सा चीज जो कि हम लोग आपको लास्ट में बताने वाला हूँ एंड सामने आप लोग देख सकते हो कुछ ट्री फ्राम है। ओके एंड गाइस मैं लास्ट में गाइस और कुछ प्लेटफॉर्म बनाने वाला हूँ बिकॉज मैं और भी गाइस काफी सारा चीजें बिल्ड करूंगा। ओके एंड यहाँ पर हम लोग बिल्ड करने वाले एक्सपी फार्म बिकॉज आपको पता है एक्सपी काफी इंपॉर्टेंट है, तो एक्सपी फार्म मुझे बिल्ड करना पड़ेगा यहाँ पर। और आप लोग देख सकते हो हम लोग का फूड फार्म है जो कि सुगर केन प्लस फूड फार्म है जो कि काफी ज्यादा एपिक है, आप लोग देख सकते हो काफी सारा मुझे मतलब कि सुगर केन मिल चुका है, आप लोग देख सकते हो भाई बहुत तगड़ा है। यहाँ पर हम लोग बिल्ड करने वाले एक बढ़िया सा एपिक से एक आर्मर स्टैंड, मतलब ऐसे काफी खतरनाक होने वाला एक छोटा सा बेस बनाने वाला हूँ वहाँ पर। ओके गाइस अभी टाइम आ चुका है डायमंड पर कवर होने का, तो चलता है फटाफट से केव के अंदर, उसके बाद मैं काफी सारा डायमंड माइनिंग करता हूँ बिकॉज मुझे काफी सारा कॉबलस्टोन की जरूरत पड़ेगा, मुझे एक एक्सपी फार्म बिल्ड करना पड़ेगा, तो चलता है फटाफट से दो काम हम लोग का हो जाएगा। और
ऊपर आने के बाद अपना फुल सेट डायमंड का आर्मर कंप्लीट कर लिया। फाइनली गाइस मैंने फुल्ली डायमंड पर कवर हो चुका, जो की काफी ज्यादा मस्त बात है। नेक्स्ट हम लोग एम ए नेदरराइट पर कवर होना, जो हम लोग काफी जल्दी हो जाएंगे। और गाइस अभी टाइम आ चुका है एक एक्सपी फार्म बिल्ड करना, तो फटाफट चलते एक्सपी फार्म को बिल्ड करते हैं। ऑलराइट गाइस हम लोग एक्सपी फार्म कंप्लीट हो चुका है। आप लोग देख सकते हो काफी मस्त यहाँ पर वर्क कर रहा है अपने एक्सपी फार्म। काफी सारा ज़ॉम्बी क्रीपर आ रहा है, जो कि भाई मुझे काफी सारा एक्सपी मिलेगा और मुझे एन्चेंटमेंट करने के लिए काफी ज्यादा हेल्प करने वाले एक्सपी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोग देख सकते हो, मुझे कुछ कैरेट्स मिला है, कुछ नहीं सिर्फ एक ही मिला, जो कि काफी हेल्प करेगा गाइस अपना, मतलब कि फूड सोर्स और भी हो जाएगा। मतलब हम लोग बाद में यहाँ पे गोल्डन कैरेट्स बना सकते हैं, जो कि काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। सभी टाइम आ चुके नेदर पर जाने के लिए, तो फटाफट से चलते केव के अंदर एंड मैं काफी सारा ऑब्सीडियन को कलेक्ट करता हूं। लेट्स सी गाइस, देखते हैं हम लोग के स्पॉन कहां पर होते हैं नेदर पर, जो कि मैं काफी एक्साइटेड हूं अपने स्पॉन पॉइंट देखने के लिए। आप लोग गाइस देख सकते हो गाइस काफी अच्छा पर स्पॉन दिया है, मतलब कि पर ब्लू फॉरेस्ट। और गाइस मैं बेसिकली आया था नेदर पर कुछ ट्रेड्स करने के लिए, बिकॉज मुझे चाहिए था कुछ लेदर। तो चलते फटाफट से ट्रेड करने के लिए पिगलिंस के साथ, और मुझको कुछ ट्रेड करना स्टार्ट कर दे पिगलिंस के साथ, बिकॉज मुझे काफी सारा लेदर की जरूरत पड़ेगा बुक्स बनाने के लिए। तो लेट्स सी गाइस सभी एन्चेंटमेंट करना स्टार्ट करते अपने आर्मर्स के ऊपर एंड अपने टूल्स के ऊपर। ओके गाइस मुझे काफी खतरनाक एन्चेंटमेंट मिल चुके हैं अपने इस आर्मर के ऊपर, मतलब कि इस काफी खतरनाक है अपना स्वॉर्ड। ओके तो गाइस अभी चलते हैं नेदर पर, बिकॉज हम लोग जाने वाले काफी सारे इंसेंट डिब्रिस माइन करने के लिए। तो चलते हैं फटाफट से नेदर पर एंड उसके बाद स्टार्ट करते हैं अपने इंसेंट डिब्रिस माइनिंग करना। और गाइस फाइनली मुझे मिल चुके हैं इंसेंट डिब्रिस, जो कि भाई काफी खतरनाक, आप लोग देख सकते हो इंसेंट डिब्रिस भाई साहब। गाइस फटाफट से इसको माइनिंग करते हैं एंड देखते कितना है। ओके एक ही है भाई साहब। घर पर आने के बाद अपना फुल सेट नेदरराइट का आर्मर कंप्लीट कर लिया। और गाइस फाइनली हम लोग फुल्ली नेदरराइट पर कवर हो चुके, जो कि बहुत ज्यादा मस्त बात है, बिकॉज हम लोग फुल मैक्स अपने पास एक बढ़िया सा आर्मर आ चुका है, जो कि भाई काफी ज्यादा खतरनाक बात है। एंड गाइस सभी हम लोग गाइस पूरा रेडी हो चुका है एंडर ड्रैगन को मारने के लिए। बट उससे पहले मुझे एक बिल्ड करना पड़ेगा कुछ चीजें, तो फटाफट से हम लोग उसको बिल्ड करने वाले। बट उससे पहले गाइस मैं अपना नेदर का काम कंप्लीट करने वाला, बिकॉज हम लोग कलेक्ट करने वाले काफी सारे ब्लेज रॉड। तो चलते फटाफट से फोर्ट्रेस के अंदर एंड उसके बाद कुछ ब्लेज रॉड को कलेक्ट करते हैं। ओके गाइस हम लोग आ चुके हैं फोर्ट्रेस के अंदर, आप लोग देख सकते हो। एंड उसके बाद भाई यहाँ पर जो हुआ आप लोग देख सकते हो। ओके यहाँ पर गाइस काफी खतरनाक सीन हो जाएगा। ओके और भाई साहब यहाँ अपना टोटम यूज हो चुका है, आप लोग देख सकते हो। मैं गाइस काफी जोर से बच गया, मुझे मतलब कि एक बार दिखाने था अपना हेल्थ इतना डाउन है। ओके बट हाँ गाइस अपना टोटम यहाँ पर आरआईपी हो चुका है, तो हैशटैग आरआईपी टोटम लिख देना कमेंट करके। एंड उसके बाद मैं ब्लेस डॉट को कलेक्ट करना स्टार्ट करा, बिकॉज हम लोग ब्लेस डॉट के लिए यहाँ पर आए थे। ऑलराइट गाइस मैं थोड़ा सा और प्लेटफॉर्म बिल्ड कर चुका, आप लोग देख सकते हो। एंड आपको बताऊंगा मैं कहां पर क्या बिल्ड्स करूंगा। ओके बिकॉज यार इतना छोटा सा प्लेटफॉर्म था पहले, अभी मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड करा, जो कि गाइस मैं और भी गाइस कुछ बिल्ड्स करूंगा, आपको मैं दिखाऊंगा कहां पर क्या मैं बिल्ड करूंगा। ओके तो लेट्स सी आपको मैं दिखाता हूं। तो सबसे पहले हम लोग बिल्ड करने वाले यहां पर एक बढ़िया सा एपिक सा यहां पर आर्मर का स्टैंड। एंड आप लोग देख सकते हो मुझे ये सामान चाहिए था, मतलब कि घर को बिल्ड करने के लिए। घर आप लोग बोल सकते हो शायद से थोड़ा बहुत घर लगता है देखने में। ओके एंड हम लोग यहां पर बिल्ड करने वाले एक फूड फार्म, एंड यहां पर हम लोग बिल्ड करने वाले एक गाजर फार्म, मतलब कि कैरेट फार्म। और यहां पर हम लोग बिल्ड करने वाले एक बढ़िया सा फाउंटेन, बिकॉज फाउंटेन गाइस काफी ज्यादा मस्त लगता है देखने में। एंड हम लोग यहाँ पर बिल्ड करने वाले क्रीपर फेस नेदर पोर्टल, जो कि भाई काफी ज्यादा खतरनाक लगेगा देखने। तो लेट्स सी गाइस हम लोग बिल्ड करना स्टार्ट करते अपना एपिक आर्मर डिस्प्ले को, तो फटाफट से बिल्ड करते हैं। हम लोग एंजॉय करो टाइम लैप्स को।
ऑलरेडी गाइस हम लोग का एपिक आर्मर डिस्प्ले बनकर रेडी हो चुका है। आप लोग देख सकते हो जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है देखने में। आप लोग इसका कमेंट में रेट देख सकते हो 10 में आप लोग कितना देना चाहते हो। तो प्लीज आप लोग कमेंट करके बताना आप लोग इसको कितना रेट दोगे 10 में से। ओके, और गाइस आपको मैं इसका अंदर का भी टूर दूंगा, बिकॉज यार वो भी देखना चाहिए आप लोगों को। तो फटाफट सबको मैं दिखाता हूं अंदर गाइस इसका क्या है। तो यहां पर गाइस हम लोग का एंट्रेंस आप लोग देख सकते हो ट्रैप डोर के नीचे, एंड यहां नीचे हम लोग का बढ़िया सा एक रूम है आप लोग देख सकते हो, जहां पर गाइस काफी सारा चीजें आप लोग देख सकते हो। एक बढ़िया सा हम लोग का एंचेंटमेंट रूम बोल सकते हो, एंड काफी सारा चेस्ट है। तो गाइस अभी टाइम आ चुका है एक बढ़िया सा नेदर पोर्टल बिल्ड करने का क्रीपर फेस का। तो फटाफट उसको बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं। और गाइस मुझे काफी सारा सामान की जरूरत पड़ेगी, तो फटाफट मैं कलेक्ट करता हूं, उसके बाद आप लोग एंजॉय करो टाइम लैप्स को। और गाइस आप लोग इसका भी नंबर दे देना गाइस कितना मिलेगा 10 में से। ओके, आप लोग प्लीज इसको कमेंट करके बता देना। ओके, तो इसे भी हम लोग बिल्ड करने वाले एक फाउंटेन, तो लेट्स उसको बिल्ड करना स्टार्ट करते। काफी इजी है उसको बिल्ड करना, तो चलो स्टार्ट करते बिल्ड करना। सभी टाइम हो चुका है एंडर ड्रैगन को पेलने का, बट उससे पहले मुझे जाना पड़ेगा नेदर पर, क्योंकि मुझे काफी सारे एंडर पर्ल कलेक्ट करना पड़ेगा। तो चलता फरवर से नेदर पर, एंड उसके बाद मैं काफी सारे एंडर पर्ल कलेक्ट करता हूं। ओके गाइस, हम लोग आ चुके हैं नेदर पर, एंड फरवर से मैं थोड़ा सा एंडर मैन को मार के थोड़ा सा एंडर पर्ल कलेक्ट करता हूं। एंड गाइस मैं पूरा रेडी हो चुका हूं एंड वर्ल्ड पर जाने के लिए। तो फरवर से चलते, एंड अपना आई ऑफ एंडर भी टूट गया। लेट्स सी गाइस, कोई नहीं गाइस, फरवर से चलते बोट से आई ऑफ एंडर को थ्रो करके। ओके गाइस, हम लोग आ चुके हैं उस जगह पर, तो फरवर से चलते नीचे, एंड उसके बाद एंडर ड्रैगन को हम लोग पेलने वाले। तो फरवर से चलते एंड देखते। ओके, हम लोग आ चुके हैं सीधा एंडर ड्रैगन के पास, मतलब कि उसके पोर्टल के पास। एक भी आई ऑफ एंडर नहीं लगा हुआ है, तो फटाफट से उसको हम लोग एक्टिव करते हैं, उसके बाद चलते हैं फटाफट से एंड वर्ल्ड के अंदर। ओके गाइस, हम लोग आ चुके हैं एंड वर्ल्ड के अंदर। तो लेट्स गाइस उसको मारना स्टार्ट करते हैं एंडर ड्रैगन को, काफी इजीली, मतलब कि काफी इजीली गाइस उसको मार सकते हैं हम लोग। तो फटाफट से मारना स्टार्ट करते हैं एंडर ड्रैगन को। ओके ओके, ओ भाई साहब कहां पर उछल दिया भाई साहब, बच्चों यार मर जाएंगे यार, जल्दी जल्दी, ओ भाई साहब बच गया। एंड उसके बाद फाइनल हम लोग एंडर ड्रैगन को बीट कर चुके, काफी इजीली आप लोग देख सकते हो भाई, बहुत अगर इजी होता है इसको मारना आप लोग देख सकते हो। बट हाँ, मुझे एक बार गाइस ये बंदा उछल दिया था, बट कोई नहीं गाइस, एक्सपी कलेक्ट करते इसके एक कलेक्ट करते हैं, उसके बाद चलते फटाफट से इलेक्ट्रो कलेक्ट करने। और सबसे इंपॉर्टेंट बात की, मैं थोड़ा सा एंड स्टोन कलेक्ट करता हूं, बिकॉज मुझे इसका नीड पड़ेगा। तो फटाफट से इसको कलेक्ट करते हैं, उसके बाद चलते फटाफट से इलेक्ट्रो कलेक्ट करने के लिए। ओके गाइस, हम लोग आ चुके हैं एंड वर्ल्ड के अंदर, मतलब कि एंड सिटी वर्ल्ड के अंदर। ओके, लेट्स चलते फटाफट से एंड सिटी को लूटने। ओके गाइस, मुझे मिल चुके कि एंड सिटी, जहां पर एंड सिप भी। तो फटाफट से चलते इलेक्ट्रो कलेक्ट करने के लिए, एंड उसके बाद हम लोग जाने वाले घर पर। तो फटाफट से चलते, और फाइनली गाइस हम लोग आ चुके जैसे तैसे करके ऊपर, एंड उसके बाद हम लोग फटाफट से इलेक्ट्रो कलेक्ट करते हैं। ओके, उसको मारते हैं फटाफट से, एंड ये मर जा भाई, मर गया। एंड फटाफट से चेस्ट चिकार्ड करते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रो कलेक्ट करते हैं, एंड चलते घर पर। ओके गाइस, हम लोग आ चुके हैं घर पर, एंड गाइस हम लोग लास्ट बिल्ड होने वाले इस वर्ल्ड के अंदर। तो फटाफट से उसको बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं, जहां पर गाइस हम लोग अपने एंड ड्रैगन के एक को रखने वाले। तो फटाफट से उसको बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं।
फाइनली हम लोग सर्वाइव कर चुके इस वर्ल्ड के अंदर पूरे 100 डेज, जो कि काफी ज्यादा मस्त बात है। तो प्लीज सब लोग वीडियो को लाइक कर दो, बिकॉज लाइक करना फ्री होता है, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, बिकॉज काफी सारे बंदे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता है। तो प्लीज सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज सब्सक्राइब करना फ्री होता है। और सब लोग मैं डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर सबको ये वर्ल्ड खेलना है तो मैं डिस्कॉर्ड पर लिंक दे दूंगा, डाउनलोड लिंक। आप लोग जाओ डिस्कॉर्ड पर, फिर से ज्वाइन कर लो एंड आप लोग इस वर्ल्ड को डाउनलोड कर लो। और जो भी बंदे यहां तक वीडियोस देख रहे हो, थैंक यू सो मच। एंड आप लोग कमेंट में व्हाइट हार्ट का स्पैम कर देना। मैं समझ जाऊंगा कि सब लोग वीडियोस को यहां तक देखते हो। तो बस गाइस, आज के लिए बस इतना था, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।